होटल बंद होने के बाद खाना खाने पहुंचे दो अपराधियों ने चाकू से हमला कर होटल संचालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के समय दोनों आरोपी शराब के नशे में धुत थे। यह मामला नागपुर के गणेशपेट बस स्टैंड के पास से सामने आया है, जहां पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच अभी जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी दुर्गा प्रसाद पांडे और उनका भाई अनुज पांडे गणेशपेट स्थित बस स्नातक के पास अंबिका नाम का भोजनालय चलाते हैं। बीती रात आरोपी ईश्वर उर्फ योगी ठेंगरे और सागर घनथोड़े शराब के नशे में धुत होकर खाना खाने के लिए रात 11 बजे के दौरान फरियादी के होटल पर गए थे, लेकिन होटल बंद होने की वजह से केवल पार्सल सुविधा शुरू होने की बात आरोपी को बताई गई थी, लेकिन आरोपी होटल में बैठकर ही खाना खाने की जिद कर रहे थे। उसी बात को लेकर आरोपियों का फरियादी के साथ झगड़ा हो गया था। उसी बीच बचाव के लिए उसके भाई अनुज पांडे ने उसे रोका तो आरोपी सागर ने अपने पास रखे चाकू से अनुज के पेट पर वार कर अनुज को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हालांकि होटल में मौजूद कर्मचारियों ने दोनों आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर धुलाई करने के बाद उसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन गणेशपेठ हद्दीत मध्यवर्ती बस स्टँडच्या समोर एक खानावळ आहे, अंबिका भोजनालय। सदर भोजनालयामध्ये शाकाहारी जेवण मिळतं। आरोपी सागर धनजोडे आणि ईश्वर उईके हे दोन्ही कोतवाली हद्दीमध्ये राजेंद्र बार आहे, त्या ठिकाणी दारू पिले आणि त्यानंतर त्यांना जेवण करायचे होते म्हणून ते अंबिका भोजनालय इथे आले। नवरात्र असल्यामुळे त्यांना शाकाहारी जेवण करायचं होतं, पण हे खानावळ बंद झाली होती आणि त्या ठिकाणी त्यांना आतमध्ये बसून जेवण करायचं होतं। टेबलच्या वर बसून आम्हाला जेवण करायचं आहे असे ते त्या खानावळ मालकाला बोलले, त्यामुळे त्यांनी म्हटलं की हॉटेल बंद झालेलं आहे, तुम्हाला पार्सल सुविधा पाहिजे असेल तर आम्ही देऊ शकतो। परंतु त्यांनी त्यांच्याबरोबर वादविवाद केला की आम्हाला आतमध्येच बसून जेवण करायचं, याच्यावरून त्यांच्यामध्ये हाणामारी झाली आणि त्यातील आरोपी सागर धनजोडे यांनी आपल्या खिशातील एक चाकू काढून जखमीनामे अनुज पांडे खानावळ मालक याच्या वर वार केला, त्यामुळे त्याच्या डाव्या बाजूला बरगळीला जखम झालेली आहे आणि तो सध्या तिथून रक्तस्राव जास्त होत असल्यामुळे त्याला मेडिकल हॉस्पिटल वार्ड क्रमांक 28 येथे उपचार घेत आहे, त्याची प्रकृती स्थिर आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।